बाकी ये जितने भी सारे अभी बाहर जा रहे हैं ना, उन सबको बाद में पकड़ लेंगे। सबसे पहले इन सारे बैल को पहले ट्रांसपोर्ट। ओ भाई कहाँ चढ़ गया है, मतलब अजीब कुछ भी होता रहता है। इसको ट्रांसपोर्ट करना था मेरे को। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेंज सिमुलेटर के ब्रांड न्यू एपिसोड में गाइस। और पिछले वाले एपिसोड यानी कल वाले एपिसोड में अपन बनाए थे ये काफ़ी सारा ओपन बान हाउस का, मतलब तीन बड़े बड़े डिज़ाइन, जिसमें अपने को काफ़ी सारा वुडन प्लैंक लगने वाला है, काफ़ी सारा मेटल लगने वाला है और काफ़ी सारे कंक्रीट भी लगने वाले हैं, क्योंकि अपने को इसके साथ साथ तीन ग्रैनरी भी बनाना है जो कि काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो बान हाउस का डिज़ाइन दिख रहा है ना, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने सारे गायों को इस बान हाउस के अंदर शिफ्ट करने के लिए। तो चलो आज की इस वीडियो में अपन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। और देखो भाई, इधर का हमारा एक गाय का बछड़ा इधर घूम रहा है और ये दो मुर्गियाँ इधर घूम रही है। तो चलो गाइज, अपन देखते हैं आज अपने पास कितना पैसा है। तो अपने पास है $2,364, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अपने को और भी काफ़ी ज़्यादा प्लैंक खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अपन खुद से प्लैंक बनाने लगे ना, तो प्लैंक तो बना लेंगे क्योंकि अपने पास लकड़ी है काफ़ी सारे, लेकिन प्लैंक बनाने में हमारा आधा से ज़्यादा टाइम खपत हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। और लेकिन अपने को जल्दी से जल्दी बान हाउस बनाना है गाइस, ओपन बान हाउस, जिससे अपना जो टारगेट है $50,000, जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो जाए। तो चलो सबसे पहले अपन चलते हैं जनरल स्टोर में, वहाँ जाके कुछ गोली ख़रीद लेंगे अपने बंदूक की, यानि एमओ ख़रीद लेंगे, और जिससे अपन अपने जो फिलहाल जितने भी एनिमल्स हैं, अपने मुर्गियां हैं, सारे मुर्गियों को, मतलब सारे मुर्गियों को नहीं मारूंगा, लेकिन कुछ कुछ लगभग 40% 50% मुर्गियों को और बाकी एनिमल्स को भी मार दूंगा, जिससे उससे कुछ पैसा मिलेंगे ना। तो उससे अपन काफ़ी सारे लकड़ियाँ ख़रीद लेंगे, जिसका यूज़ अपन बान हाउस बनाने में करेंगे। और अपन $40 के बुलेट ख़रीद लेते हैं, कम से कम दो पीस बुलेट ख़रीद लेते हैं। तो चलो गाइस, $80 का अपन बुलेट ख़रीद लिए। सबसे पहले अब अपन चलते अपने रेंच में और वहाँ जाके अपने कुछ एनिमल्स को मारते हैं। तो चलो भाई, अपन चलते अपने रेंच में और वहाँ जाके सबसे पहले अपन पैसा इकट्ठा करते थोड़े। तो चलो भाई, अपन आ चुके अपने रेंच में फाइनली, और हमारा जो काम रहेगा वो अपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पास काफ़ी सारे गाय हैं, तो सारे गाय और तो बीच बीच में कुछ गाय बैल हमारे मर चुके थे, क्योंकि हम एक बार फिर से ग्रैनरी में खाना डालना भूल गए थे गाइस, जिसके वजह से सारे के पॉर्क को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अपन चले जाएंगे जनरल स्टोर और इसके बाद मेरे को अपने जितने भी सारे चिकन्स हैं उनको भी कलेक्ट करना है। तो देखो भाई, काफ़ी सारे अपने गाय बैल मर चुके हैं क्योंकि अपन ग्रैनरी में खाना डालना भूल गए थे भाई। तो चलो भाई, काफ़ी सारे मीट अपने पास है, तो सारे मीट को पहले इन सारे कूलर में भर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलो भाई, हमने अपने सारे कूलर में काफ़ी सारे पॉर्क को, मतलब काफ़ी सारे मीट को इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अंदर काफ़ी ज़्यादा मीट बचा हुआ है। तो देखो, हमारे पास बस इतना ही कूलर था और ये एक और बचा है, तो इसमें भी भर लेते हैं। लेकिन अपने को और काफ़ी ज़्यादा कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं लूँ, अभी डायरेक्ट अपने ट्रेलर में रख के सारे मीट को पहले लेके चलता हूँ। इसके बाद वहाँ से अपन काफ़ी सारा लकड़ी ले लेंगे, अगले बार जब अपन हार्डवेयर स्टोर या जनरल स्टोर जाएंगे ना, तो वहाँ से काफ़ी सारे कूलर ले लेंगे ताकि अगले बार अपना काम आ जाए। लेकिन इस बार मैं और एक्स्ट्रा कूलर नहीं लेने वाला, तो चलो इसको भी इधर रख देते हैं, और ये हमारी मुर्गी बाहर ही घूम रही है। और चलो भाई, अपन ले लेते हैं ये अपना पिकअप ट्रक बड़ा वाला। तो चलो भाई, प्रॉपर इसको सही दिशा में लगा देते हैं, उसके बाद अपन वो करेंगे। तो चलो, प्रॉपर सही दिशा में लगा चुके अपन, तो अपन अपने सारे कूलर को पहले इसमें रख देते हैं इधर ऐसे। इसमें एक कूलर आ गया, दूसरा भी आ गया, ऐसे रखेंगे भाई। ये वाले कूलर को भी अपन ऐसे ही रख देंगे ताकि तीन तीन कूलर आ पाए। और देखो, हमारे एक गाय बाहर निकल चुकी है, तो चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के। ओ भाई, और ज़्यादा नहीं है वैसे तो ये, तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इधर भी रख लेते हैं इसको भी। तो चलो भाई, अपन काफ़ी सारे अपना जो
कूलर था, सभी कूलर को अपन अपने बस अपने पिकअप ट्रक में लोड कर चुके हैं, और ये ऊपर का बस बचा है तो ऊपर में भी एक बार लगा देते हैं प्रॉपर इसको सही। और दो कूलर बस बचा है, एक ये और एक और बचा है बस, तो इसको ऊपर में रख देते हैं ऐसा जमा के। तो फाइनली गाइज हमने अपने सारे कूलर को अपने पिकअप ट्रक में लोड कर दिया है, अब बारी है अपने सारे एनिमल्स की। तो चलो सबको एक एक करके ला लेते हैं। ये बैल को पहले अंदर लाते हैं, पहले अंदर रख देते हैं, इसको भी पहले अंदर रख देते हैं। तो देखो हम दो बैल को अंदर रख चुके हैं और दो तीन बैल को और अंदर रख देंगे, बाकी ये जितने भी सारे अभी बाहर जा रहे हैं ना उन सबको बाद में पकड़ लेंगे। सबसे पहले इन सारे बैल को पहले ट्रांसपोर्ट। ओ भाई कहाँ चढ़ गया है, मतलब अजीब कुछ भी होता रहता है। इसको ट्रांसपोर्ट करना था मेरे को, प्रेस ई टू ट्रांसपोर्ट। चलो इसको भी ट्रांसपोर्ट, ये इधर जा रही है, इधर आ भाई। तो भाई जितने भी सारे अपने काफ़ी सारे एनिमल्स इधर उधर निकल चुके हैं, मतलब तीन तो इधर ही है। तो चलो इन सबको भी पहले ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ, इन सारे एनिमल को पहले स्कैन कर लेता हूँ, उनके बाद ये सारे एनिमल को भी इसके अंदर लेके चले जाऊँगा। तो देखो भाई इतने सारे मीट अपने पास पड़े हुए हैं, तो ये सारे मीट को सबसे पहले अपन अपने ट्रेलर में लोड कर लेते हैं। और भाई हमारा जो गाय है, ये सारे गाय बैल बाहर भाग चुके हैं, तो चलो इनको पहले मैनेज कर लेते हैं। भाई आ जा, ये इसको भी अंदर लेकर चलते हैं। और ये भी भाग ही रही थी, तो इसको भी अपन अंदर लेके चलते हैं। और सामने एक और है, तो चलो भाई देखो काफ़ी सारे अपन अपने सारे एनिमल्स को स्किन कर चुके हैं, जिससे अपने पास इतने ज़्यादा मीट हो चुके हैं। और भाई इधर साइड में भी कुछ गिरे हुए हैं, तो सबसे पहले ये साइड के भी उठा लेते हैं। और देखो अंदर में दिखाता हूँ, तो अपन अपने जितने भी सारे एनिमल थे ऑलमोस्ट सारे को मार चुके हैं। और देखो ये भी इधर पड़ा हुआ है, तो इतने सारे मीट को अपने को लोड करना है अपने ट्रेलर में, उसके बाद सारे मीट को अपने को बेच के आना है अपने बर्गर शॉप में। और अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ ऑफर वॉफर कुछ चल रहा है जिससे अपने को डबल पैसा मिल सके कि नहीं चल रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी अगर वहाँ ऑफर चलते रहेगा ना, तो हमारे लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलो जल्दी से फटाफट मैं ये सारे मीट को ट्रेलर में लोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस हमने सारे मीट को अपने ट्रेलर में लोड कर चुके हैं, और देखो इतना सारा मीट हुआ है अपने पास। तो ये सारे मीट को अपन ले जाके बेच देंगे सबसे पहले बर्गर शॉप में। और वहाँ अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आज हमारे बर्गर शॉप में मतलब हमारे लिए कुछ ऑफर वॉफर है कि नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। तो चलो ये रास्ते में आ चुकी है, ये भी शायद इतना जिंदा रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी मुझे नहीं पता। और एक और मीट है इधर, तो इसको भी अपन जस्ट इसके साइड में ऐसे रख देते हैं। और भाई इधर दो तीन और मीट है, तो सारे मीट को भी अपन ऐसे साइड साइड में रख देते हैं, कूलर हो जाता है। और काफ़ी सारे कूलर अपने को ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लग जाता हमारा। तो चलो अब कूलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हमको मीट बेचना रहेगा अपन ये वाला ट्रेलर को उठा के ले जाएंगे। और इसके नीचे कोई है क्या? नहीं। तो चलो फाइनली देखो कितना बड़ा है, कितना सारा मीट है अपने पास। तो चलो भाई सारे मीट अपने पास, और हमारे जो गाय है वो भी अंदर जा चुकी है। सारे मीट को अपन लेकर चलते हैं बर्गर स्टोर में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई अपने जो मीट है वो गिरे मत रास्ते में इधर उधर, अगर गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो चलो मैं ऐसे कर साइड से देखता हूँ, और गाइज नहीं गिर रहा है हमारा जो मीट है। तो प्रॉपर चलो अपन चलते हैं अब सीधा बर्गर स्टोर में, और अभी बच चुके हैं शाम के 7, और अपन जाके देखते हैं गाइस कि अपने को कितना ज़्यादा पैसा मिलने वाला है अपने सारे मीट से। उसके बाद जब हम अपना नया बाना हाउस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो और नए एनिमल्स ला लेंगे। और देखो रास्ते में पड़े हुए काफ़ी सारे
हिरन है, उन सारे को भी स्किन करके बेचना पड़ेगा अपने को। तो चलो भाई, हम हमारा जो ट्रेलर है प्रॉपर अपन सही जगह फिट कर चुके हैं। अब जितने भी सारे अपने पास पॉर्क है, सारे को अपन पॉर्क को अनलोड कर लेते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को अनलोड करने में। और देखना पड़ेगा कि यहाँ अपने को, वैसे तो ओपन है अभी, और देखना पड़ेगा कि यहाँ अपने को कितना ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो देखो भाई, पॉर्क मीट बॉल का, पॉर्क किसको बोलते हैं, अपन क्या बेच रहे हैं, अपन बेच रहे हैं बीफ, बीफ $70। तो देखो, बंद होने से पहले अपने को बीफ मीट बॉल 1.9 में मिल रहा है गाइस। तो चलो जल्दी से, अभी बज रहे हैं 7 और 8 बजे बंद हो जाता है, तो सारे मीट को जितना अपने को मिल रहा है ना, सारे मीट को पहले अपन बेच देंगे, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले तो सारे मीट को पहले अनलोड कर लेता हूँ, फिर अपनी गाड़ी को प्रॉपर सही जगह में लगाने के बाद सारे मीट को अपने को एक साथ बेचेंगे, ताकि अपने को पता भी होना चाहिए कि अपना सारा मीट कितने रुपये में गया है। तो चलो, सभी को अनलोड कर लेते हैं उधर से, सारे मीट को अपन इधर निकाल लेते हैं। और भाई, ये आज का दिन, ये एक सारा काम करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो अभी बज रहे हैं रात के 8, और देखो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है। तो अब इसको यहीं अनलोड कर लेते हैं। तो चलो भाई, काफ़ी सारे जो अपना ट्रेलर का जो बीफ था, उन सारे बीफ को अपन बाहर निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं अपने कूलर के सारे बीफ को, और सभी को एक साथ अपन बेचेंगे इधर। तो देखो भाई, अपने पास काफ़ी सारा हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी अपने पास रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो पहले इसका प्राइस चेक कर लेते अपन कि अपने को कितना मिल रहा है इसका अंदर जाके। ये बीफ मीट बॉल लिखा है, बीफ मीट बॉल कुछ अलग होता है क्या, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। 1.19 दिखा रहा है ये बीफ, इतने सारे बीफ के अपने को टोटल मिल रहा है $19,690। मैं सुबह बेचता हूँ सारे बीफ को अपने, उससे पहले मैं चले जाता हूँ अपने रेंच में, मैं कल सुबह आऊँगा सारे को बेचने के लिए। तो चलो भाई, फाइनली आ चुके अपन अपने रेंच में, और जल्दी से सो जाते हैं जिससे सुबह हो और कल सुबह जाके अपन अपने बर्गर शॉप में बेच पाए अपने सारे मीट बॉल को। तो चलो भाई, फाइनली सुबह हो चुकी है, अब हम चलते हैं अपने बर्गर शॉप अपने पिकअप ट्रक को लेकर। तो चलो, आ चुके हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन में, जो है बर्गर शॉप। और इधर आके अपन देखते हैं कि यहाँ बीफ 1.4, तो अपने को मिलेगा आज $27,000। तो भाई, अपन जो कल नहीं बेचे थे ना, वो बिल्कुल सही किए थे, ताकि वो बीफ मीट बॉल का था भाई, बीफ अलग होता है शायद। तो अपने को आज मिल रहा है टोटल $27,000। सभी को पहले सर्कल के अंदर ला लेते हैं, उसके बाद सभी को एक साथ बेच देते हैं। तो चलो भाई, सभी अपने कूलर को भी अपन जो जितने भी सारे सर्कल है उस सर्कल के अंदर ला चुके हैं, और चलो अपन चले जाते हैं सभी को बेचने। और आज हमारे को इतना मिल रहा है, मतलब 1.4 मल्टीप्लाई का प्राइस मिल रहा है। तो चलो, अपने को टोटल अपने जितने भी सारे बीफ हैं उसके अपने को मिल रहे हैं $27,687। तो सभी को अपन बेच देते हैं एक बार में, सेल ऑल। और देखो भैया, अब हमारे पास हो चुके हैं $29,971। तो अब अपने पास काफ़ी सारे पैसे हो चुके हैं, और ये सारे कूलर्स को भी मैं लेके चले जाऊंगा। ये भी बस एक बचा है, इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं ऐसा, और बस दो ही बचा है जिसमें से एक इसको इसके ऊपर, भाई कहाँ रखाएगा तू, अपन ऊपर चढ़ के रख देते हैं इसके ऊपर। अब एक बचा, इसको भी अपन ऊपर चढ़ के रख ही देते हैं फाइनली। और चलते हैं यहाँ से। तो चलो गाइस, फाइनली आ चुके अपन अपने रेंच में, और देखो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है अपना रेंच, क्योंकि अपन काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए हैं, और ये लेफ्ट में जो बार्न हाउस, सॉरी ग्रीन हाउस है ना, ये ही काफ़ी बड़ा अपन बना चुके हैं। और देखो, एक बैल इधर इधर उधर भटक रहा है। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना यार।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के गुड बाय।